हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं निलीशा और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूं कि आप किस तरह से सिंपल स्टेप फॉलो करके इस तरह की पतली डोरी बना सकते हैं तो so चलिए स्टार्ट करते हैं सो so यहां आप जिस भी कलर की डोरी बनाना चाहते हैं उस कलर के फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेना तो यहाँ हम हमारे फैब्रिक को ट्राइंगल शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ट्राइंगल शेप में फैब्रिक का खिंचाव अच्छा होता है स्ट्रेच अच्छा होता है तो डोरी अच्छी बनती है सो इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे इसे डबल फोल्ड करने के बाद में इसे फोल्डेड साइड से सबसे पहले कट कर लेंगे इसे कट करने के बाद में मेरे पास फैब्रिक आ गया है दो लेयर में एज यू कैन सी यहाँ कॉर्नर से एक एक इंच का गैप छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखो ऐसे यहां मैंने एक इंच का गैप छोड़ा है अब इसे कट कर लेंगे इसे कट करने के बाद में हमारे पास वन वन इंच की दो पट्टियां आ गई है इनकी लेंथ है ट्वेंटी इंच दोनों की लेंथ बराबर है आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं अगर आपको छोटी पट्टियाँ बनानी है तो आप छोटी लेंथ रख सकते हैं बड़ी पट्टियाँ बनानी तो बड़ी लेंथ रख सकते हैं अब इन पट्टियों के कॉर्नर को इस तरह से स्ट्रेट कट कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको तिरछा कट करना है तिरछा मिलाना है सीधे में भी ईजी रहता है इसे करना सो इस तरह से सीधा कट कर लेंगे अब पट्टियों के दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से देखो ऐसे इन दोनों पट्टियों को ज्वाइन करने के बाद में इसे इस तरह से फिंगर से प्रेस कर लेना है ताकि जब हम पलटें तो आसानी रहे अब इसे यहीं से उठा करके यहीं से पलटना शुरू करेंगे देखो ऐसे उल्टी साइड में और यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिचिंग करना शुरू करेंगे स्टिचिंग आपको एक जैसी करनी है सभी साइड और कोशिश करना कि इसे छोटी सिलाई से स्टिच करें बिकॉज बड़ी सिलाई जल्दी टूट जाती है सो तो इसे छोटी सिलाई से स्टिच करना देखो ऐसे यहाँ मैंने इसे स्टिच कर दिया है So, यहाँ मैंने सुई धागा रेडी कर लिया है यहाँ मैंने सुई में डबल धागा डाला है सोई so इससे ग्रिप अच्छी बनी रहेगी यहाँ मैंने छोटी सुई यूज़ की है अगर आपके पास बड़ी सुई रहेगी तो बहुत बेटर रहेगा अब जो डोरी का ये वाला कॉर्नर है यहाँ पे इसका एक पार्ट उठाते हैं इस तरह से इसमें हमें पास कर लेना है सिर्फ एक कॉर्नर में पास करना है और थोड़ा टाइट पास करना और पास करने के लिए फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लेना देखो ऐसे अब सुई को इसमें पास करना शुरू करना है उल्टे वाले साइड से यहाँ पे हमें सुई का उल्टा वाला साइड यूज़ करना है और इस तरह से पास करते जाना है इसे पास करते करते हमें डोरी के दूसरे वाले कॉर्नर पे लेकर आना है यहाँ सुई और धागे को डोरी के दूसरे कॉर्नर पे लेके आने के बाद में यहाँ जो हमने ऊपर की साइड में नॉट बांधी थी वहाँ सुई की हेल्प से पीछे की साइड से इसे अंदर की साइड में प्रेस करना है अंदर की साइड में थोड़ा थोड़ा पास करते जाना है देखो ऐसे बस हल्का सा पास करने की ज़रूरत है अब धागे को इस तरह से हल्का हल्का खींचना शुरू करेंगे एकदम बहुत जोर से नहीं खींचना है धागा टूट जाएगा बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे इसे खींचना शुरू करना है देखो यहाँ ऊपर काफ़ी सारा फैब्रिक इकट्ठा हो गया तो इसे हल्का सा ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से धागे को खींचते जाना है और इसे चार पाँच बार खींचते खींचते थोड़ा थोड़ा फैब्रिक अंदर की साइड में आने लगेगा हमारे पास में और इस तरह से हमारी डोरी निकलने लगेगी देखो ऐसे एंड दैट सेट हमारी पतली वाली डोरी रेडी है आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर